मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें डाइवोर्स या मैट्रिमोनियल केसेस में क्या नोटिस दिए जाना आवश्यक है, इस विषय पर लीगल प्रोविजन बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सामाजिक जो परिवेश है उसमें बहुत जल्दी लड़का लड़की पक्ष शादी के बाद, चूंकि अलग अलग परिवार से आते हैं, उनके संस्कार, उनका रहन सहन, उनका सोच का ढंग अलग अलग होता है, और लड़का लड़की पक्ष शादी के बाद ससुराल में छोटी छोटी बातों को लेकर तुनक मिजाजी में किसी बात को ईगो के रूप में ले लेते हैं और उसमें उनमें डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, मतभेद। कई बार घर वालों के समझाने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आता और स्थिति तलाक, मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस या अन्य किसी स्थिति तक पहुंच जाती है। तो मित्रों, आज मैं आपको ये बतलाऊंगा कि जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं, डाइवोर्स हैं, इन केसेस में क्या नोटिस देना आवश्यक है। लीगली नोटिस देने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अपने बचाव में आप लीगल नोटिस दें, जिससे और उसमें सारे तथ्य समावेश करें, सभी तथ्यों को लिखें, किन कारणों से कब क्या घटना हुई, और उस नोटिस के अंदर लीगली किसी अच्छे एडवोकेट से ड्राफ्ट कराएं, सारी घटनाओं का विवरण दें। अगर कोई मैट्रिमोनियल केस है और मेंटेनेंस आदि मांगते हैं तो मेंटेनेंस की क्या राशि आप उससे चाहते हैं, एलिमनी परमानेंट कोई लेना चाहते हैं तो क्या राशि है, क्या कारण है, ये सारी बातों का उल्लेख करते हुए रजिस्टर्ड नोटिस एक्नॉलेजमेंट के साथ रजिस्ट्री से भेजें। आजकल डिजिटल युग है, ईमेल से भी नोटिस भेजा जा सकता है। तो नोटिस भेजने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सामने वाले पक्षकार को जब नोटिस मिलता है तो वो प्रत्येक जो फैक्ट्स आपने नोटिस में पैरावाइज लिखे हैं उनका वो डिनाइल करेगा या जो भी स्थिति है वो स्पष्ट करके आपको जवाब भी प्रेषित कर सकता है। हो सकता है वो जवाब ना भी भेजे। तो ऐसी स्थिति में लीगली नोटिस की बाइंडिंग नहीं है, लेकिन नोटिस भेजना कोर्ट कचहरी या कोर्ट कोई केस आप भविष्य में लगाएंगे उसके लिए आपको संबल के रूप में कार्य करेगा। अब स्थिति यह है कि इन केसेस में कितने दिन का नोटिस भेजना आवश्यक है, तो इस नोटिस के अंदर ही आपके अधिवक्ता 15 दिन या 21 दिवस के अंदर एक नॉर्मली जवाब देने के लिए लिखते हैं। यदि वो सऊदी में जवाब नहीं देता है तो उसका जो भी इफेक्ट लीगली होगा वो आगे कोर्ट में आप जब केस डालते हैं, पिटीशन वगैरह तैयार करते हैं, उसमें बतला सकते हैं। तो इस नोटिस को किसी अच्छे एडवोकेट से ड्राफ्ट कराएं, रजिस्टर्ड एडी से भेजें, जिससे आपकी भेजी गई रसीद तथा जो उसका अभिस्वीकृति या एक्नॉलेजमेंट आएगा वो आपको केस में प्रमाण के रूप में। कई बार क्या होता है, नोटिस भेजने के बाद पार्टीज को समझ में आता है कि नोटिस आ गया, अर्थात ये मेरे विरुद्ध प्रकरण विपक्षी सोच लेता है लगाएगा, इस कारण कहीं मिल बैठकर कोई स्थिति अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के रूप में समझौता हो जाता है, राजीनामा हो जाता है, बीच का कोई रास्ता निकल जाता है, किसी समझदार व्यक्तियों को बिठाकर मीडिएशन प्रोसीडिंग हो जाती है, तो वो स्थिति भी कई बार बनती है। तो हो सकता है कोर्ट कचहरी जाने के पहले ही मामले का समझौते के रूप में निराकरण वहीं पर हो जाए। इसी तरह के कई जगह पुलिस सेंटर में भी मीडिएशन सेंटर वगैरह बनाए गए हैं, जिसके अंदर काउंसलिंग उन्हें समझाया जाता है 2-3 पेशी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के रूप में। तो नोटिस भेजने से कई तरह के फायदे हैं और इसे कानूनी रूप से भेज देना ही उचित है मेरे मत में। तो मैं साधारण तौर पर आपको ये बतला रहा था कि नोटिस भेजना क्यों आवश्यक है, मैट्रिमोनियल केसेस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे मेंटेनेंस का केस हो, इन सब केसेस में पक्षकार को किसी भी घटना घटित होने पर या आशंका होने पर पहले से नोटिस भेजकर और उसको अपने बचाव में नोटिस को भेजना आवश्यक है। इस प्रकार संभवतः साधारणतः यह प्रयास करें कि तुनक मिजाजी न लेते हुए प्रायोगिक रूप से लाइफ इज ए एडजस्टमेंट, कुल मिलाकर लाइफ में अनेकों प्रकार के समझौते जीवन में करने होते हैं, पति पत्नी के मध्य छोटी छोटी बातों को लेकर कोई विवाद ना हो, और अगर किसी बात को लेकर हो भी गया है कोशिश ये करें कि उसका सॉल्यूशन रिसॉल्व हो जाए, वहीं मैटर बड़े बुजुर्गों को बीच में बिठा लें, किसी जिसकी भी बात दोनों पक्ष मानते हैं, सास ससुर हैं और लोग हैं, तो इसको तूल ना देते हुए वहीं की वहीं समाप्त किया जाए और आगे जिससे उनका दोनों पक्षों का भविष्य उज्ज्वल हो। तो मैंने मोटे मोटे शब्दों में आपको लीगल नोटिस देने के प्रावधान बताए और इस नोटिस का महत्व भी बताया कि बहुत सारे मामले नोटिस भेजते ही वहीं की वहीं रिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं समझौते के रूप में,
कई बार लोक अदालत में मामला पेश, किसी बार कोर्ट में चले भी गए तो उन मामलों में कोर्ट भी समझाइश देती है, समझाती है कि भैया आप भविष्य के लिए एक साथ रहिए, इन बातों को समाप्त कर दीजिए, और समझ में आने के बाद कंप्रोमाइजिंग वे में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के केसेज हैं और सब हैं, मैट्रिमोनियल केसेज हैं, मेंटेनेंस के केस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं, वो इस तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो लीगली कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन नोटिस अपने पक्ष को प्रबल रखने के लिए दिया जाना उचित होगा, ऐसा मेरा सुझाव है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न छोटे छोटे कानूनी विषयों पर आपको प्रतिदिन वीडियो बनाकर कानूनी जानकारी दे रहा हूँ। यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, और अपने यार दोस्तों को, अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, जिन्हें भी आप उचित समझें, शेयर और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।